हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे मर्क्यूरियस के कुछ सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों कि मर्क्यूरियस को किन सिम्टम्स के आधार पर हम किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मर्क्यूरियस के कुछ बेसिक सिम्टम्स के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। इसके बारे में फुल डिटेल्स एक अलग सी वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको इसमें जितने भी सिम्टम्स हैं ऑलमोस्ट क्योंकि सिम्टम्स तो बहुत सारे हैं, सारे के सारे सिम्टम्स कवर करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो सिम्टम्स जो कि ज़्यादातर बुक्स में मिल जाते हैं आपको या अदर जगह से जिसकी आवश्यकता पड़ती है, तो वो सारे सिम्टम्स को कवर करने की कोशिश करेंगे एक अलग वीडियो में। दोस्तों अभी जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मर्क्यूरियस के वो सारे सिम्टम्स जिसके आधार पर हम मर्क्यूरियस को प्रिस्क्राइब करते हैं या इसको बोल सकते हैं कि इसके जो जनरल सिम्टम्स होते हैं, तो वो सिम्टम्स के बारे में आपसे हम बात करेंगे। दोस्तों मर्क्यूरियस के बारे में जैसे हम बात करते हैं तो मर्क्यूरियस को आप लोग जानते हैं कि ये बोन पे बहुत अच्छा काम करती है, एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन में नंबर वन मेडिसिन है ये, और इसका जो एग्रेवेशन टाइम होता है वो होता है रात के वक्त में, यानी इसकी जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं सिफिलिटिक ग्रुप की जितनी मेडिसिन होती हैं वो ज़्यादातर रात में इसके एग्रेवेशन होता है। दोस्तों तो इसका भी रात में एग्रेवेशन है स्पेशली इस मेडिसिन का मर्क्यूरियस की अगर हम बात करें तो। और इसका जो मेन सिम्टम है दोस्तों कि पेशेंट को जब भी मर्करी का प्रभाव होता है तो सलाइवा बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि ये दवा मर्करी से बनी है, इसका कॉमन नेम है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है इसको, तो ये यूज़ करने के बाद में सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों प्रोफ्यूज सलाइवेशन होना ये इसका बड़ा खास सिम्टम है। इसके साथ में अगर आप मर्क्यूरियस का टंग देखेंगे जीप, तो जीभ आपको थुलथुली मिलेगी, जीभ थुलथुली मिलेगी, जीभ की जो लंबाई या उसकी मोटाई है वो आपको बढ़ी हुई मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों ये पेशेंट को प्यास बहुत लगती है, जीभ थुलथुली होती है, प्यास बहुत लगती है, सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मुंह में लार बनती हो और फिर भी प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ये इसका एक बड़ा खास सिम्टम है दोस्तों। ठीक है, तो ये सिम्टम है। इसके अलावा रात में इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, ये आपको एक दूसरा सिम्टम है। और दोस्तों इसके साथ में आपको जो देखने का मौका मिलेगा वो कि जब भी पेशेंट किसी भी चीज़ के लिए अगर जैसे बातचीत करता है तो जल्दीबाजी में रहता है, बहुत ज़्यादा उसको कहिए कि हैस्टी रहता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी किसी काम को करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये इसका बड़ा एक खास सिम्टम है दोस्तों। ठीक है, तो मर्क्यूरियस को पहचानने का मैंने दो तीन सिम्टम आपको बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसके एग्रेवेशन जो होता है रात में होता है, रात के वक्त में इसकी तकलीफें बढ़ती हैं, दिन में पेशेंट को आराम रहता है। दूसरा, इसकी जो तकलीफें होती हैं वो रात में बढ़ने के साथ साथ में जीभ आपकी जब इसकी देखेंगे तो जीभ आपको थुलथुली मिलेगी, मोटी मिलेगी, उस पर दांत के निशान आपको मिलेंगे, इम्प्रिंट ऑफ टीथ, किनारे किनारे दांत के निशान आपको मिलेंगे इसमें, और सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, और सलाइवेशन की भी जो क्वांटिटी होती है वो रात में ज़्यादा होती है, रात में सलाइवेशन ज़्यादा होता है। और रात में पेशेंट जब सोता है तो देखेंगे कभी कभी सलाइवा साइड से बाहर भी गिर जाता है, बदबू होती है सलाइवा के अंदर में। और रात में दोस्तों बाहर निकल जाना सलाइवा का, ये आपको एक और मेडिसिन है बेराइटाकार, उसके अंदर भी पाया जाता है। बड़े सारे ऐसे पेशेंट आपको मिलेंगे जो कि बेराइटाकार के भी हो सकते हैं और मर्क्सॉल के भी हो सकते हैं, तो दोनों में आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अब मर्क्सॉल के जो सिम्टम्स होते हैं जनरली वो आपको नाइट्रिक एसिड से मिलते जुलते होते हैं, नाइट्रिक एसिड के जो सिम्टम्स होते हैं वो मर्क्सॉल के सिम्टम्स होते हैं, दोनों आपको ज़्यादातर आपको मिलते जुलते हैं। अब इसमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए मर्क्सॉल के बारे में मैंने बताया कि इसकी जीभ जो होती है थुलथुली होती है, मोटी होती है और सलाइवा बहुत ज़्यादा होता है, जबकि नाइट्रिक एसिड के पेशेंट को आपको ऐसा ज़्यादातर देखने को नहीं मिला कि थुलथुली मोटी जीभ आपको नहीं मिलेगी, नॉर्मल जीभ रहेगी, उसके अंदर सलाइवा बहुत ज़्यादा बनेगा। एक सिम्टम और होता है दोनों के अंदर जो कोई पाया जाता है वो होता है बीच में आपको फिशर मिलेगा, दरार जैसा मिलेगा जीभ के ऊपर, सेंट्रल फिशर्स को बोलते हैं, ये आपको मिलेगा। ये आपको बेसिकली तीन दवाएं हैं जिसके अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, पहली दवा है मर्क्सॉल, दूसरा नाइट्रिक एसिड और तीसरा लैकेसिस, इन तीन दवाओं के अंदर में ये सिम्टम आपको पाया जाता है।
कि बीच में दरार आपको मिलती है टंग के ऊपर दोस्तों। तो ये एक बड़ा डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बड़े सारे पेशेंट को देखने में समझने में आपको काफ़ी सहूलियत होगी। आप जब भी पेशेंट देखें तो जीभ जरूर देखें पेशेंट की, कोई भी पेशेंट हो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो मर्कसाल का पेशेंट तभी देखें आप, कोई भी पेशेंट हो एक बार जीभ देखें तो बड़ी बार आपको जीभ देख करके भी एक अंदाज़ा लग जाता है। कभी आपको इस टॉपिक में आपको और ज़्यादा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दूंगा, मैं कोई वीडियो बनाऊंगा जिसमें जीभ के बारे में ही केवल बातचीत रहेगी कि जीभ देख करके हम किस मेडिसिन को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे मर्कसाल नाइट्रिक एसिड के बारे में, तो दोनों के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। मर्कसाल का जो पेशेंट होता है दोस्तों, वो उसके जो हेयर होते हैं वो पतले होते हैं, और इसके साथ साथ में जो इसकी त्वचा होती है वो मतलब लैक्स फाइबर इसको बोलते हैं, स्किन या इसकी जो त्वचा होती है वो होती है मतलब क्या बोलते हैं इसको झुल मतलब बहुत ही लैक्स होती है इसको, आप अपनी भाषा में समझ दीजिए कि बड़ी ढीली ढाली होती है ना। तो ऐसे पेशेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल मेडिसिन है ये। और दोस्तों इसके साथ साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत आपको ध्यान रखना है। एक तो किसी भी जब आप मेडिसिन के बारे में फाइंड आउट करते हैं पढ़ते हैं तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं दोस्तों। आप कोई भी मेडिसिन पढ़िए किसी भी वीडियो से देख करके किसी बुक से देख करके, तो आपने उसके कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं, उन सिम्टम्स के आधार पर अगर आप किसी मेडिसिन को फाइंड आउट करते हैं तो वो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल होता है। मेरे पास बड़े सिर्फ मैसेजेस आते हैं, कभी फोन्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर क्या मैं इस टॉपिक के लिए या इस प्रॉब्लम के लिए ये मैं दवा ले सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं उनको क्या समझाऊँ दोस्तों, बहुत से ऐसे मेडिसिन आपको मिल जाएंगे जिसमें एक जैसे सिम्टम्स आपको मिलेंगे, अब क्या वहाँ पे वो दवा देना सही रहेगा कि आपने कोई मेडिसिन पढ़ी उस मेडिसिन के बारे में आपको पर्टिकुलर पता चला कि ये दवा है उसकी तो आप वो दवा दे देंगे, जबकि वो सिम्टम कई सारी मेडिसिन के अंदर पाया जाता है तो कौन सी दवा देंगे आप दोस्तों। जैसे एक छोटा सा सिम्टम है हेयर फॉल, अब बाल झड़ने की 50 दवाएं हैं, तो आप अगर कोई एक दवा पढ़ी आप लाइकोपोडियम पढ़ी तो उसमें आपको बाल झड़ने के बारे में मिल जाएगा, सीपीए पढ़ी उसमें मिल जाएगा, कैल्केरिया कार पढ़ी उसमें मिल जाएगा, फास्फोरस पढ़ी उसमें मिल जाएगा, एसिड फास पढ़ी उसमें मिल जाएगा, सिलीनियम पढ़ी उसमें मिल जाएगा, काली कार पढ़ी उसमें मिल जाएगा, बहुत सारी मेडिसिन हैं तो कौन सी दवा देंगे आप दोस्तों। ऐसी कंडीशन के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी मेडिसिन के कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर के बोलिए इसको कुछ ऐसे जनरल सिम्टम्स होते हैं जो कि उसी मेडिसिन में पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स पाए जाते हैं, वो सिम्टम्स को आप फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। कोई भी आप मेडिसिन पढ़िए, आप कोई मेडिसिन चाहे यूट्यूब से पढ़िए चाहे बुक से पढ़िए, उस पर्टिकुलर जो सिम्टम है किसी मेडिसिन के क्या क्या सिम्टम्स हैं उसको आप फाइंड आउट करने की कोशिश करिए दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको मर्कसाल में मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके कौन से सिम्टम्स हैं जिसको आप बिल्कुल पेक्यूलियर मानेंगे, पेक्यूलियर सिम्टम है इसका, वो है जीभ थुलथुली होना, मोटी होना, सलाइवेशन बहुत ज़्यादा बनना, और ऊपर से प्यास खूब ज़्यादा रहना, खूब पानी पीने की इच्छा होना, ये इसका पेक्यूलियर सिम्टम है। क्योंकि मुंह सूखा हो प्यास लगे ये एक अलग बात है, एक जनरल चीज़ हो सकती है किसी के लिए कि भाई मुंह सूखा हुआ तो प्यास लगेगी, लेकिन अंदर से मुंह गीला है फिर भी प्यास लगेगी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये चीज़ पाई जाती है मर्कसाल के अंदर में अच्छे से। दूसरी मैंने आपको बताई कि रात में इसकी तकलीफें बढ़ती हैं, ठीक है, रात में इसकी तकलीफें एग्रीवेट करती हैं, तो वहाँ पे भी इसका अच्छा यूज होता है दोस्तों। बोन पीस का अच्छा एक्शन होता है, हड्डियों में दर्द होना वो भी रात के वक्त में ज़्यादा, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसके अंदर फोड़े हो, उसके अंदर कोई और दूसरी प्रॉब्लम हो, वो तकलीफें रात में बढ़ें, तो यहाँ पर मर्कसाल बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। तो दोस्तों आज मेरा मकसद आपसे सिर्फ बात करने के लिए कि मर्कसाल के जो मेन पेक्यूलियर सिम्टम है उसको जानना, और मैंने यही आपको बताने की कोशिश करी है, कुछ से थोड़ा सा कंपेयर मैंने किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जानकारी अच्छी लगेगी और आपको लगता है कि ये लाभदायक है दोस्तों, तो ऐसे किसी पर्सन को आप इसको जरूर सेंड करिएगा, शेयर करिएगा, जिसको आपको लगता है कि इससे उस पर्सन को फ़ायदा मिलेगा, तो वैसे पेशेंट के लिए इसका आप इस्तेमाल करिए। और मैंने आपको जो ये सिम्टम बताया हुआ दोस्तों, ये आपको किसी भी बीमारी में काम आएगा। ये मान लीजिए किसी को मुंह के अंदर अगर स्टोमेटाइटिस हो गया है, मुंह के अंदर छाले आ गए हैं,
और वहाँ पे अगर आपको क्या देखना है, वहाँ पे छाले तो देखना है, लेकिन उसके साथ में आपको यही सिम्टम देखने हैं, जीभ उसकी थुलथुली है, मोटी है, सलाइवेशन बहुत ज़्यादा बना हुआ है, दांत के निशान है, तकलीफ रात में बढ़ती है। आपने मरसाल का इस्तेमाल करना, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। होम्योपैथिक में किसी बीमारी के आधार पर किसी दवा का संरक्षण नहीं किया जाता है। होम्योपैथी का जो सिद्धांत है वो सिम्टम्स के आधार पर दवा का चुनाव किया जाता है। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी से आपको फ़ायदा होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और फिर मिलते दोस्तों एक नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।